हेलो व्यूअर्स, www.school.net के जानवर से मैं मोहम्मद अहसन और जे क्यूरी की इस क्लास में हम मेन्यू को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मेन्यू जे क्यूरी यूआई विजिट का एक मेन टॉपिक है, तो हम इसको कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। मैंने यहाँ तक करवाया था कि हमने एक बेसिक सा मेन्यू बनाया था, तो इसके सब मेन्यूज़ भी हमने बनाए थे यहाँ पे। तो देखें, ये सब मेन्यू HTML CSS जे क्यूरी बूस्ट ऐप, और फिर वेब डिवेलपमेंट की बात करें तो उसके JavaScript PHP, उसके बाद वर्डप्रेस जूमला, फिर PHP और MySQL की बात करें इसके और सब मेन्यू है। तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहे, ये सब मेन्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहे, ये क्या उसमें हो सकता है? तो इसमें हमारी एक छोटी सी मिस्टेक है, ये है कि हमने ये जो LI है विद इन LI टैग हमने ये मेन्यू बनाने होते हैं। तो ये यहाँ पे सेव, उसके बाद ये इसको मैं यहाँ से कट करके ये जो UL है यहाँ पे सेव, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट्स है इसका भी LI मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे सेव, और उसके बाद ये जो है इसका LI टैग इसको मैं UL, क्योंकि ये जो जब हम नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं तो ये उस लिस्ट के लिस्ट, ये देखें अगर मैं यहाँ पे ये LI टैग क्लोज कर रहा था तो ये एक लिस्ट नेस्टेड लिस्ट नहीं बन रही थी, ये एक अलग से लिस्ट बन रही थी, तो इसलिए अब ये शो नहीं हो रहे थे। अब देखें तो यहाँ पे ये सब मेन्यूज़ भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो थीम डिपेंड कर रहा है वो है जे क्यूरी UI लेटनेस का थीम यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए वो ऐसे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये बेसिक जो है ये यहाँ से बन चुके हैं। अब हम इसकी करते हैं अपनी तरफ से स्टाइलिंग कुछ। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो हम स्टाइल टैग में आते हैं, और अगर आप इस जो UI बैकग्राउंड है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आप इसको चेंज करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैं ग्रीन देना चाहता हूँ। तो ये देखें, यहाँ ग्रीन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की खातिर मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये देखें, ये हम यहाँ पे इसको ग्रीन कलर दे के इसको सेट कर सकते हैं। और ये अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे लिखें कलर, तो इसको आप वाइट कलर रख दें तो, और सेव करें और रिफ्रेश करें तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी यहाँ पे वाइट हो जाएगा। तो ये देख लें, ये इस तरह सारे कलर जो है ये चेंज हो रहे हैं। तो फिलहाल मैं दो प्रॉपर्टीज को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और अब हम आते हैं jQuery UI, ये जो है UI, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ मेन्यू के। जब मैं इन पे क्लिक करूँ, जब कर्सर लेके जाऊँ तो उनमें कुछ चेंजिंग सी है, तो इसमें मैं लिखता हूँ। अगर आप इस वक्त, मैं पहले आपको ये बताऊँ कि देखें, जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो ये कुछ यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट UI लेटनेस की जो भी स्टाइलिंग है वो यहाँ पे शो हो रही है, तो उसकी मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसका, जब मैं कर्सर लेके जाऊँ तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए ये मैं आइटम की हम बात करेंगे, क्योंकि जिस आइटम पर मैं कर्सर लेके जाऊँगा उसी आइटम पर ही वो वहाँ पर इफ़ेक्ट नज़र आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ H over hover इफ़ेक्ट, और फिर मैं यहाँ पर इसका लिखता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होता जाए, और उसके साथ इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जब मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पे इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं कि उस पर जब कर्सर लेके जाता हूँ तो ग्रीन हो रहा है, उसके साथ वो जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो रहा है। पहले जो था वो कलर ब्लू सॉरी येलो सा था, अब ये यहाँ पे हमने अपनी तरफ से जो चेंजिंग यहाँ पे अप्लाई की है। तो उसके बाद हम यहाँ से डिवाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइडर कैसे होगा? सिंपली मैं यहाँ पे जो वेब डिज़ाइन है, इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग के बाद मैं यहाँ पे एक div टैग बनाता हूँ, और div टैग की जो मैं ID रखूँगा वो मैं लिखता हूँ UI, और यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडर, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें, ये वेब डिज़ाइन के बाद एक डिवाइडर सा शो हो गया। इस तरह वेब डेवलपमेंट के बाद भी एक डिवाइडर लगा सकते हैं, जहाँ आप मर्जी डिवाइडर लगाएं लगा सकते हैं। तो उसके बाद अब हम अगर बात करें कि जो हेडर है वहाँ पर हम एक हेडर अप्लाई कर दें, तो उसके लिए हेडर के लिए क्या है, मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की जो वेब डिज़ाइन है मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके लिए कि आप यहाँ पे लिखते हैं LI, और या मैं इसको रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कोर्स LI, और इसकी जो मैं ID रखता हूँ वो लिखता हूँ UI। ये इसकी ID
हमने बाय डिफॉल्ट और स्पेसिफिक यहाँ पे रखनी है, नहीं तो ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूआई और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजेट और हेडर। विजेट ये इसकी स्पेलिंग है और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेडर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्सेज कोर्सेज और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें इस वक्त यहाँ पे ये हमें हेडर सर्च हो रहा है। इसमें एक यूआई मेन्यू यूआई विजिट हेडर, तो इसके लिए एक ये यहाँ पे सही शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई मिस्टेक है मेरी। आईडी भी मैंने ठीक दी है इसको, सॉरी मैं इसको आईडी नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे इसको क्लास दूंगा, ये मेरी मिस्टेक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखें तो ये यहाँ पे हमें वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे एक हेडर सा शो हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि हेडर का कलर और हो, तो उसके लिए आप सिंपली इसी क्लास को यहाँ पे कॉल कर लें सीएसएस के अंदर और ये स्टाइल के अंदर यहाँ पे आप इसको चेंज कर लें। तो ये है हमारे मेन्यू आइटम। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी तो ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ आइकन्स की कि हम आइकन्स किस तरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि आइकन, और आइकन्स की जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड की थी आपको बताया था आप वहाँ से शो कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको लिखता हूँ सब मेन्यूज सब मेन्यू और यहाँ पे उसके बाद मैं आइकन का नेम लिखता हूँ। अगर इस वक्त जो मेरे यहाँ पे आइकन शो हो रहा है वो देख लें, इस तरह का आइकन है ये एरो टाइप है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यू आई आइकन्स प्लस, सेव और रिफ्रेश। कोई मिस्टेक हो गई हमसे, यू आई आइकन सब मेन्यू यू आई आइकन प्लस ये यहाँ पे आइकन और रिफ्रेश। तो ये देखें अब यहाँ पे प्लस शो हो रहा है। तो ये आप इस तरह आइकन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आइकन कौन कौन से चेंज कैसे कौन कौन से ऐसे आइकन है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हम जाते हैं यहाँ पे जेक्यूरी के अंदर और यहाँ पे मैं आता हूँ थीम्स में और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइकन कौन कौन से हम यहाँ पे अप्लाई कर, ये सारे आइकन हैं यहाँ पे ये सारे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और कर दूँ, ये वाला आइकन है इसको मैं यहाँ पे शो करवाऊँ या इसको रहने देते हैं, हम ये करवा देते हैं। ये है एरोथिक वन ई यू आई आइकन एरोथिक वन ई, ये इसका नेम है यू आई आइकन एरो थिक और उसके बाद है वन ई, ये इसका नेम है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है हमारी तो ये आइकन वहाँ से इजीली यहाँ पे वर्क कर जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये आइकन भी चेंज हो चुका है। इसी तरह आप कोई आइकन भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए है कि जैसे मैंने आपको बताया आप थीम्स में जाएं इस वेबसाइट को ओपन करके और यहाँ से जिस आइकन पे आप अपना कर्सर लेके आएंगे वो आपको वहाँ पे बता देगा कि आप किस आइकन का नेम है। यहाँ पर आप लिखता हूँ मैं सर्कल एरो ई, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे आता हूँ आइकन सर्कल सर्कल एरो और ई, सेव करके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। तो ये आप देखिए यहाँ पे आइकन और चेंज हो चुका है। इस तरह आप किसी भी किस्म का आइकन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल है बहुत ही, कोई भी आइकन आप यूज़ करना चाहते हैं आप ये ऐसे आइकन चेंज कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप वेबसाइट के अंदर चल के वहाँ से आप आइकन चेंज कर लें, आइकन का जब कर्सर लेके जाएंगे तो आइकन का नेम शो हो जाएगा, आप उस नेम को रीड करके वो नेम यहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो उम्मीद है आपको ये जेक्यूरी विजिट का जो हमारा था मेन्यू का टॉपिक ये कम्प्लीट क्लियर हो गया होगा। तो मेरी जो वेबसाइट है www.school.net आप इसको विजिट करना ना भूलें और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक करना भूलें और फेसबुक ओपन कर लें या हमारी वेबसाइट को आप ओपन कर लें। इसके अंदर यूट्यूब के चैनल का लिंक गिवन है, आप उसको ओपन करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स है वो टाइम से टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।